मैं जब पहली बार वेस्टीज में आया तो मैंने कुछ यहाँ के जो ऑलरेडी पुराने लीडर्स थे उनको मैंने सीएनटी करते हुए देखा. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया ये बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं या ये प्री मेडिकल का कोई एग्जाम किसी को दिला रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं. क्योंकि अगर वो फ्लेक्स बताते थे तो दिल का डायग्राम बनाते थे. वो वैसा वाला दिल नहीं, वो प्रॉपर जो डॉक्टर वाला दिल होता है. और ये HDL कोलेस्ट्रॉल है, ये LDL कोलेस्ट्रॉल है, यानी इतनी डिटेल बताते थे, इतना डिटेल में समझाते थे, ऐसा लगता था जैसे ये किसी को डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं. और मीटिंग चलती थी 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे. मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा था यार, जो चीज़ डुप्लीकेबल नहीं है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती. राइट? सो मैंने कहा भाई देखो ऐसे काम चलेगा नहीं. इससे नुकसान क्या होता था, इससे 80% लोग तो भाग जाते थे और जो 20% लोग बचते भी थे वो कहते थे यार सर कमाल की मीटिंग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ सर ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो ये बोलते थे. देखिए इस बिजनेस में एक बड़ा सिंपल रूल है, जिसके ग्रुप में जितनी ज्यादा मीटिंग होगी भाई उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा. राइट? अब ज्यादा मीटिंग कब होगी, जब ज्यादा मीटिंग करने वाले लोग होंगे. अब अगर आप 4-4 घंटे की मीटिंग करने लगोगे तो आप ज्यादा लोग कभी बना ही नहीं पाओगे. तो आपको सिंपल मीटिंग रखनी चाहिए. सो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि यार मैक्सिमम 50 मिनट से ऊपर CNT जानी नहीं चाहिए नए आदमी के लिए. पहला 5 मिनट कंपनी का बैकग्राउंड बताओ, 25 से 30 मिनट प्रोडक्ट के लिए बहुत है. उस समय तो इतने प्रोडक्ट नहीं थे, अब तो इतने प्रोडक्ट है. तो फ्यूचर में नहीं सोचा, मैंने कहा यार प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे तो अगर सारे प्रोडक्ट बताने लगेंगे तो शाम हो जाएगी आदमी को तो प्रोडक्ट बताते बताते. तो सिर्फ ओवरव्यू देना है प्रोडक्ट का, और प्लान का भी सिर्फ आप ओवरव्यू ही दे सकते हो. प्लान तो जब आदमी काम करता करते करते समझ में आता है, उससे पहले कभी समझ में आ नहीं सकता, ये सच है. और पहले आपने किसी को बेसिक बता दिए, ABCD सिखाओगे तभी तो सेंटेंस पर लेके जाओगे. अब पहले दिन ही अगर आप उसको सेंटेंस बढ़ाने लगोगे तो बच्चा भाग जाएगा, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं आएगा, उसे लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं है. सो इट शुड बी वेरी सिंपल. सो मैंने 45 से 50 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करी, वो मैंने करनी शुरू करी. और शुरू शुरू में क्या होता था, सारी मीटिंग मैं खुद अकेला करता था. जब मैं कर लेता था हिंदी में तो सुदर्शन मोहंती जी आते थे, वो उड़िया में अपने कुछ लोगों को ब्रीफ करते थे, समराइज करते थे. तो जब उसने मेरी 5-6 मीटिंग देखी तो मैंने उसको कहा, मुझे एक अगेन मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता था अगर मैं अब इसको नहीं सिखाऊंगा मीटिंग करना तो अभी तो मैं नया नया नेटवर्क बना है, यहाँ आ रहा हूँ, जब तक मैं आऊँगा जब तक ही बिजनेस ग्रो करेगा. जब मैं आना कम करूँगा तो बिजनेस कम होगा, और जब मैं आना एक दिन बंद करूँगा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा है प्रोडक्ट मैं बताऊँगा, प्लान तू बताना. बोला नहीं 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 है, मेरे से अभी नहीं होगा. मैंने कहा तू करता तो है, बाद में मेरे बाद तू करता क्या, अपनी कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, तो तू वही तो बदल रहा है, तो तू जैसा भी बोल तेरे को बोलना है. सो ऐसे मैंने उसको जबरदस्ती तैयार किया. एंड जितने भी आपके नए लोग होते हैं ना, आप जब उनको भी तैयार करोगे वो हमेशा आपको बोलेंगे मेरे से नहीं होगा, लेकिन आपको उनको तैयार करना है मीटिंग करने के लिए अगर आपने ग्रो करना है. ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें ये लगता है मैं बहुत अच्छी मीटिंग करता हूं, मेरे करने से लोग साइन अप होते हैं, इससे नहीं होंगे, वो खुद ही करते रहते हैं. आपका पर्पज लोग साइन करना नहीं है, आपका पर्पज है लोगों को ट्रेन करना इस बिजनेस में अगर आपने ग्रो करना है. सो मैंने ऐसे उसको तैयार किया धीरे धीरे. एंड शुरू में मैंने उसको बोला कि अब मैं देख वापस जा रहा हूं दिल्ली, अब मैं इस बार आऊंगा 4-5 दिन तुम्हारे यहां पर रहूंगा, एक काम करना. तब तक उसकी 25-30 लोगों की टीम बन चुकी थी. मैंने कहा एक काम करना, आप ना इन सब 25-30 लोगों के अगर सबके घर होम मीटिंग रख देना, कम से कम एक सबके यहाँ, जो करवाए तो उसके यहाँ 2 भी रख सकते हो. ईस्ट में थोड़ा सा एक एडवांटेज क्या होता है कि बहुत जल्दी सूरज निकल जाता है गर्मियों में. राइट? यहाँ शबनम जी बैठी हैं, आसिफ बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछो. राइट? 5 बजे सुबह सूरज बाहर, लोग उठते भी जल्दी हैं. हमारे दिल्ली में तो 10 बजे से पहले कुछ होता ही नहीं है, तो लोग उठते भी जल्दी हैं. तो हमारे मेरी कोशिश होती थी यार सुबह 7 बजे किसी ना किसी के घर ना होम मीटिंग हो जाए. 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, हर 2-2 घंटे में कहीं ना कहीं यार तू मीटिंग फिक्स कर, ऐसे मैं उसको बोलता था जबरदस्ती पकड़ के. तो एक आदमी आए, 2 आदमी आए, कोई बात नहीं, बट होम मीटिंग करा. सो मैं 4-5 दिन डेली मैंने 25-30 होम मीटिंग करी उसके साथ में, डेली 5-5, 6-6 होम मीटिंग करी. उसका रिजल्ट क्या हुआ, 4 दिन में उसकी जो टीम थी 20-25 से वो 80 से 100 के बीच में पहुंच गई. वो बहुत एक्साइट हुआ. इस बिजनेस में आपको कुछ अलग नहीं करना या कोई मुश्किल काम नहीं करना, आपको काम सिंपल ही करना लेकिन बार बार करना है. सिंपल काम को आप बार बार करो, होम मीटिंग आप बार बार करो.
सो ऐसे जब 80 से 100 लोगों की टीम बन गई, दूसरा सिंपल काम क्या, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। सो मैंने उसे कहा देख ये मेरा टूर खत्म हो गया, मैं फिर आता हूँ 20 दिन बाद, इस बार मैं एक हफ्ते के लिए आऊंगा, आपका काम यह है 150 से 200 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सिटीज है ना वहां हर जगह एक CNT रख देना, होम मीटिंग रखना, होम मीटिंग जहां अच्छी हो वहां फिर CNT रख देना, तो आपका काम यह है। ठीक है, तो उन दिनों मेरा शेड्यूल होता था, मैं सुबह 5:30 बजे के आसपास अपना होटल छोड़ देता था, सुदर्शन को पिक करता था, फिर हम लोग जिस भी सिटी में गए राइट, हमारी कोशिश होती थी दिन भर में हम कम से कम 3 से 4 CNT कर सकें, और अगर होम मीटिंग कर रहे हैं तो 5 से 6 या 7 होम मीटिंग करें, एंड ऐसे हमने बिल्डअप करना शुरू किया। मुझे याद है उस हमारा शेड्यूल यही होता था, 5:30-6 बजे मैंने उसको पिकअप करना, रात को वापस आए तो कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 10:30 बजे आ रहे हैं, अगले दिन फिर सुबह सेम शेड्यूल, और अगर ज़्यादा दूर निकल गए तो जहाँ है वहीं रुक जाते थे। तो एक दिन हमें ऐसे काम करते हुए 10-12 दिन हो गए होंगे लगातार डिफरेंट सिटीज में जा करके, एक दिन वो मुझे बोला भाई जैसे आप मुझसे काम करा रहे हो ना मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैंने बोला क्यों, बोला भाई 12 दिन हो गए मैं घर नहीं गया, जाता भी हूँ कभी एक आध दिन बीच में छोड़ते भी हो तो 11 बजे छोड़ते हो, सुबह फिर भूत की तरह 5:30 बजे आ जाते हो, और 12 दिन हो गए मैंने मेरे बच्चे को उठते हुए नहीं देखा। बोलो भाई मेरी बीवी तो मेरे को छोड़ के जाने वाली है। मैंने कहा देख भाई मैं तेरे को जिस तरीके से काम करा रहा हूँ ना तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है, और जब बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, जब घर में लक्ष्मी आती है तो घर की लक्ष्मी भाई छोड़ के नहीं जाती बल्कि बहुत खुश होती है। सो मैंने यही कहा, मैंने कहा प्लीज बेयर विद मी थोड़ा टाइम और, मैंने कहा ये देख ये ना टीथिंग प्रॉब्लम है, आप देखते हो बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा दर्द होता है, इरिटेट होता है, पेट खराब होता है, राइट, ग्राइप वाटर देते हैं तो दांत निकलते समय बड़ी तकलीफ होती है किसी भी बच्चे को, लेकिन एक बार दांत निकल जाए तो जिंदगी भर उसी दांत से वो बच्चा रोटी खाता है। सेम नेटवर्क बनाना है, शुरू में जब नेटवर्क बनाओगे ना बड़ी तकलीफ होगी भाई, 1.5 साल जितने मुझे शुरू में बड़ी तकलीफ होगी, हमेशा याद रखना टीथिंग प्रॉब्लम। ये स्टेज पार कर ली तो जिंदगी भर नेटवर्किंग के मजे लोगे, राइट, ये स्टेज पार करनी है। अच्छा अब इतने जो तबीयत से जो हमने काम किया उसका परिणाम क्या हुआ, 4th महीने सुदर्शन का चेक था 96,000 रुपीज 96,000 रुपए। जब उसका 4th महीने 96,000 रुपए आया, मेरे को फोन करके कहता है भाई मेरा चेक ना कंपनी ने गलत बना दिया। मैंने कहा गलत बना दिया, क्या क्या गलत बना दिया? बोले मैं तो सोच रहा था 30-40 हज़ार रुपए आएंगे तो लगभग 1 लाख रुपए आ गए। बोला ऐसा है अब गलती हो गई तो कंपनी की गलती है, मैंने खर्च दिए मैं वापस नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वापस कंपनी ले भी नहीं रही, गलत नहीं बना सही बना है।